बच्चों गुड मॉर्निंग। अब तक हम आप लोगों को पढ़ने 10.7 के पहले अर्थात 10.6 तक हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके पहले दो प्रश्नावली थी, हम लोगों ने उसका भी अध्ययन किया। आज हम चलते हैं आपको पढ़ने नंबर 10.7 लेकर, जो कि पढ़ने नंबर 6 का नियम वही पर होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखिए क्या कहा गया है परमेय नंबर 10.7 में, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाइयों में समान होती है, देखिए यही आपको प्रश्न जब पूछा जाएगा परीक्षा में, तो ये थोड़ा सा प्रश्न में आपका बदलाव हो जाएगा। कि आगे लिख दिया जाएगा, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाइयों में या लंबाई में समान होती हैं। इनके कहने का तात्पर्य यह है, सिद्ध आपको करना है यदि एक वृत्त है और उस केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं अर्थात केंद्र से समान दूरी पर जो जीवाएं होती हैं वो लंबाई आपस में क्या होती है, उनकी बराबर होती है। देखिए जैसे हम आपको चित्र बताते हैं, केंद्र से समान दूरी पर है, ओ केंद्र वाला ये वृत्त है, ये दूरी आपस में क्या है, मान लो ये यम है, यहां आपका यम है। और हमेशा आपको दिया रहता है चाहे जिसकी दूरी होगी हमेशा लंब और बिना भी जाती है, इसलिए ये आपका 90 होगा और यहां ठीक। तो पहले ज्ञात है, क्या ज्ञात है, ज्ञात है या दिया है, क्या ज्ञात है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, लिखेंगे ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, वाला एक वृत्त है जिसमें समदूरस्थ कहा गया है या समान दूरी कहा गया है, ओ एन बराबर इसको एन मान लेते हैं, ओ एन बराबर ओ एम, ये ठीक, ये बराबर दिया गया है जिसमें ओएम बराबर ओएम तथा जीवा पीक्यू और एबी है,
इतना था आपको याद है। उसके बाद सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है जीवा पी क्यू बराबर ए बी, चाहे इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए बी बराबर पी क्यू। ठीक, रचना में हम देखिए क्या करते हैं, अगला स्टेप होता है रचना। रचना में हम क्या करते हैं, केंद्रों को पी से और केंद्रों को ए से मिलाया, केन ओ को पी तथा ए से मिलाया, पी तथा ए से मिलाया। ठीक, फिर आपका आया था रचना, रचना तो ये खत्म हुआ, आपका आया था उपपत्ति। उपपत्ति में पहले एक स्टेप हम आपको बता देते हैं, त्रिभुज पी ओ एम तथा त्रिभुज ए ओ एन में क्या स्टेप देते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि पी ओ एम, पी ओ एम में पी ओ बराबर एओ। क्यों ऐसा है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, या लिखा जाएगा एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। फिर अगला स्टेप है आपका ओ एम बराबर ओ एम, ये क्या है आपको ज्ञात है या दिया है, अर्थात ज्ञात है दिया है, इसका मतलब यह हुआ कि क्वेश्चन में दिया है कि ओ एम बराबर ओ एम, अर्थात यही भाषा कहा गया है कि केंद्र से समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, तो केंद्र से समान दूरी समदूरस्थ कहा गया है, ये भी देखिए दूरी ये, तब ये जीव आपको मिली है और इसी केंद्र से ये दूरी ओ एम जीवा ये भी प्राप्त हुई है, अर्थात के इसे संतुष्ट है। तो फिर हम जब इस पर लंब डाले हैं तो अर्थात अलाइनमेंट होगा एंगल पीएमओ इक्वल टू एंगल एएमओ बराबर 90°, क्योंकि हमेशा जब दूरी नापी जाती है तो वह लंबवत होती है, क्या होती है लंबवत होती है। फिर आप जानते हैं एक त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण, दूसरी त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर है तो त्रिभुज सर्वांश होते हैं, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज पी ओएम सर्वांशम त्रिभुज ए ओएम, जब सर्वांशम है तो संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो जब इसलिए पीएम बराबर, इसलिए पीएम बराबर एएम, पीएम बराबर एएम, ध्यान दो पीएम बराबर एएम हमने सिद्ध कर दिया। अब एक बार में पढ़े हैं, इसके पहले वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संविभाजित करता है, अर्थात दो बराबर भागों में बांटता है, तो यहाँ ये पीएम है, इसके स्थान पर ले सकते हैं एक बटा दो, एक बटा दो पी क्यू, इधर भी ले सकते हैं एक बटा दो पी बी, अर्थात पीएम जो है जीवा पी क्यू की आदि है और यहाँ एन जो है जीवा ए बी की आदि है, इसलिए हम लिख सकते हैं एक बटा दो पी क्यू और एक बटा दो ए बी, पी एम को लिखा जा सकता है एक बटा दो पी क्यू और एन को लिखा
यही सिद्ध करना था कि जीवा PQ बराबर AB। ठीक, इसको आप लोग बुलाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। परमेय आपका ये हुआ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फिर ये किताब में आपको नहीं मिलेगा, स्टेप टू स्टेप सीधा मिलेगा, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम आपको ले चलते हैं प्रश्नावली पर। वृत्त दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करते हैं, दो वृत्त, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है। तो पहले हम चित्र बनाते हैं। एक 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो एक 5 सेंटीमीटर और एक आपका 3 सेंटीमीटर। इसका केंद्र हम मान ले रहे हैं वो है, इसका केंद्र मान ले रहे हैं वो है सर। और आपकी जो जीवा है वो ये है, कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप। करें 5 सेंटीमीटर, यह आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और एक आपका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। दोनों कहां पर बिंदु P पर तथा Q पर काटते हैं। हमने P तथा Q को मिलाया तो यह आपका उभयनिष्ठ जीवा पाठ होता है। प्रच्छेदित करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी, ये केंद्रों के बीच की दूरी, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक 4 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दीजिए, रचना हम करते हैं। यह आपका 5 सेंटीमीटर होगा, यह आपका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ये त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर का होगा। तो हम हल करते हैं। हल करते हैं, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 1-5, 1-4, 1-3। आप लोग
तीनों का सूत्र जो अभी हम आपको बताते हैं, ए बराबर 5 मान लेते हैं, बी बराबर 4 मान लेते हैं, सी बराबर 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, अर्ध परिमाण का सूत्र होता है अर्ध परिमाण, इसको यस से प्रदर्शित करके यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे टू आपका फार्मूला है, तो हो जाएगा 5 + 4 + 3 बटे दो, 5 × 2 = 3 12 बटे दो, दो से भाग कर देंगे 6 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज ओ पी ओ डैश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आपको बताया गया होगा, वीडियो गया होगा आपके पास कक्षा 5 में, अगर नहीं पढ़े होंगे 9 में वीडियो गया आपका, ये होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यह साथ में निकला है अर्ध परिमाप 6 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 6 या 7 का 6, 6 माइनस 5 ए बराबर 5 है, 6 माइनस 4 बी बराबर 4 है, 6 माइनस 3 सी बराबर 3। हल करेंगे 6 में से 5 घटेगा 1, 6 में से 4 घटेगा 2, 6 में से 3 घटेगा 3। अगला स्टेप इसको आगे बढ़ाएंगे, 6 को लिखा जा सकता है 2 × 3 आता है, वर्गमूल निकालते समय आप लोग जानते हैं 2 का जोड़ा बनता है, 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ है, 2 बाहर निकल जाएगा, 3 यहाँ है 3 यहाँ है, 1 3 बाहर निकल जाएगा, तो आपका आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस त्रिभुज का ओ पी ओ डैश का क्षेत्रफल है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर एक तो यह हो गया क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका, फिर अगला आगे बताते हैं इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक और सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी ओ डैश बी का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ओ पी ओ डैश का क्षेत्रफल जो आपका 6 आया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है इसी का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई जो आप लोग पढ़े होंगे बराबर 6 सेंटीमीटर। आधार यहां आपका ओ ओ डैश, ऊंचाई पीएम, तो रखेंगे ही मान 1/2 आधार आपका है 4, ऊंचाई आपकी है पीएम बराबर 6, 2 से 2 1 2 2 2 4 2 × PM आ गया बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 इधर गुणे में उधर जाएगा भाग हो जाएगा, पी एम बराबर आपका 6/2 तो आ जाएगा 2 × 3 = 6, तो पी एम बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर, पी एम बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक इसी को लिखा जा सकता है पी क्यू बराबर 2 × PM, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संदर्भित करता है, ये आपका वृत्त का केंद्र है, ये आपकी जीवा है, ये लंबवत है, दूरी है, लंबवत हमेशा होती है 90° है, तो यह इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, इसलिए हमने लिखा है PQ बराबर खाली होती है PQ बराबर पूरे 2 PM, क्योंकि यहाँ 2 भाग होगा बराबर होता है, तो 2 × PM आपका 3 आया है, तो आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। अर्थात जीवा एक पूछा गया है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए,
लंबाई 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप विधिवत जो बताए हैं त्रिभुज का दो क्षेत्रफल, एक जीरो का सूत्र बताए हैं, एक आपको ये आई बटे दो आधार बटे ऊंचाई का, दोनों एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल का तुम निकाले, दोनों आपस में बराबर हो गया, हल कर दिया, आपका आंसर प्राप्त हो गया।